मंडला लोकसभा और सिवनी जिला आपके अपने लाडले भारत सरकार के मंत्री और अभी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आपका वंदन है, अभिनंदन है। जिलाध्यक्ष आलोक दुबे जी, आलोक भाई का भी स्वागत करें भाई। हमारी बहन संपतिया जी है कि नहीं है? चलो ताली बजा दो, एब्सेंट में भी बजा सकते हैं। पूर्व विधायक मेरे अभिन्न मित्र राकेश पाल जी, जोरदार तालियां राकेश भाई के लिए भी। मुकेश बबेल जी, मुकेश जी जोरदार अभिनंदन मुकेश जी का भी। मेरे विद्यार्थी परिषद के समय साथी प्रफुल्ल मिश्रा जी, जोरदार ताली बजा मिश्रा जी के लिए। देवी सिंह मरकाम जी, कहाँ है देवी सिंह जी? जोरदार, अरे वाह देवी सिंह जी, उधर आओ यार, एक कुर्सी लगाओ भैया देवी सिंह सरियाम जी के लिए। जयदीप सिंह चौहान महामंत्री, जोरदार ताली जयदीप सिंह जी के। अजय डागोरिया जी, एक और महामंत्री, वो कहा है? और पूरा भरा पूरा मंच सबके लिए जोरदार ताली बजा दो, अगर मैं नाम बोलूंगा तो टाइम ही खत्म हो जाएगा। गुप्ता जी के लिए भी तालियां बजा दो भाई, सारी बहनों भाइयों सबके लिए जोरदार ताली बजा करके। आज यहाँ घनसोर में आने के लिए खास करके सचिन जी, जोरदार ताली बजा पूर्व विधायक जी के लिए। ये गांव का नाम क्या है? क्या बात है, आनंद आ गया गांव का नाम सुन के। कहानी इतनी बढ़िया, हीरो हीरोइन इतने सारे बेटे, मजा आ गया पूरा, गांव की कहानी पूरी हो गई। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की, शक्ति स्वरूपा दुर्गा महारानी की। और आनंद के साथ हम सब जिनके कारण से एक अलग लोक में पहुंच जाते हैं, सबका आने का समय, जाने का समय, काल सबका नियत है। और जन्म होना ये परमात्मा के हाथ में जन्म देना, लेकिन दिए गए जन्म का एक एक मिनट का एक एक समय का सदुपयोग करना, इसलिए कालों के काल महाकाल आपको अवसर देते हैं। तो जोरदार तालियां बजा करके बोला जय महाकाल। हम सब जानते हैं भगवान की कृपा जब होती है तो भगवान गोपाल कृष्ण से अच्छा कौन समझ सकता है। गोपाल कृष्ण के जीवन को हम देखें, कभी कभी हमारे जीवन में हम कठिनाइयों से घबरा जाते हैं, मन में लगता है हे भगवान इतने कष्ट हो गए, इस कष्ट को कैसे सहन करेंगे, इसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं। चिंता मत करो फग्गन सिंह जी, आपने विधानसभा में काला टीका लगवा लिया, अब आपको इंजेक्शन लग गया, आप वो डालते जाओगे आगे। जोरदार ताली बजाओ, एक बार काला टीका लग जाना चाहिए। भगवान कृष्ण के जीवन को देखो, कभी उनकी कहानी अपन सुनो समझो देखोगे तो ध्यान में आएगा क्या भगवान पे नहीं बीती। जिस बच्चे के पैदा होने के पहले जिनके माँ बाप को जेल जाना पड़े, कोई कल्पना कर सकता है इसकी? जिस बच्चे का जन्म जेल में हो, जिसको पैदा होते ही उफनती नदी में जाना पड़े, माँ का दूध नहीं मिले, किस माँ बाप ने जन्म दिया और भगवान को कहाँ किस माँ बाप ने पाला? नंद बाबा, यशोदा मैया, बाद का जीवन तो भगवान को आंख खुली तो पता ही नहीं चला कि उनके असली माँ बाप कौन है। वो तो कंस को जब उनने अपने पराक्रम पुरुषार्थ से मारा तो उनकी 11 साल की उम्र हो चुकी, तब तक तब उनको ध्यान में आया कि असली माँ बाप तो ये, वो माखन खिला करके यशोदा माँ ने और नंद बाबा ने जो पाला पोसा, और क्या पाला उनने भी। हम यशोदा माँ को भी प्रणाम करें और नंद बाबा की भी जय जयकार करें। अपनी बच्ची को तो कंस के हाथों दिलवा करके, अपने सीने पे पत्थर रख करके, अपने मित्र के बच्चे को अपने बच्चे से ज्यादा प्रेम किसी को मिला है तो गोपाल कृष्ण के रूप में भगवान कृष्ण को मिला। बोलो कन्हैया लाल की। क्या पूरे जीवन के उनके यथार्थ,
कितने प्रकार के अलग अलग किस्से हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि अपने बच्चे को मरते हुए देख करके दूसरे बच्चे में अपने बच्चे का सुख ले ले। वाकई प्रणाम करते यशोदा माँ को, इतना जीवन का कोई त्याग नहीं कर सकता। यह हमारी संस्कृति में हो सकता है, हिंदू धर्म में हो सकता है। और एक नहीं दो नहीं इतनी कितनी कहानियां उनकी जुड़ती है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है वो अंग्रेज चले गए जिनने हमारी संस्कृति को कुठाराघात किया। लाड मेकाले के माध्यम से 1832 में हमारे पे शिक्षा नीति उनकी लागू कर दी। हमारे पाठ्यक्रम से भगवान राम भगवान कृष्ण सबके जीवन के समाज को मार्गदर्शन करने वाले सारे पाठ्यक्रम हटा दिए। और क्या सिखाया, अंग्रेज के टाइम तो नहीं था लेकिन कांग्रेस ने सिखाया। क्या सिखाया, क्या हम तो सेकुलर हो गए, हम तो धर्म निरपेक्षता की बात करेंगे। तो बात करने के कहां का रास्ते ढूंढे, अकल पे पत्थर पड़ गया कांग्रेसियों। तो ग से गणेश जी था, गणेश जी को हटा के ग से गधा लगाया। ये कांग्रेस की दुकान, ये कांग्रेस की बुद्धि है। अरे भगवान गणेश जी से सीख करके बुद्धि के देवता है। गणेश जी से दुनिया में हमारी अपनी हिंदू संस्कृति की जय जयकार होती है, सारे कामों की शुरुआत होती है। और आपने पाठ्यक्रम से गणेश जी को हटा दिया। गंधर्व देवता से कोई मना नहीं है, बेचारे खूब मार खा के खूब वजन होकर लेके जाते हैं, लेकिन कहां से कहां ला रहो। और गोपाल कृष्ण को तो गायब भी कर दिया पाठ्यक्रम से, उनके जीवन में उनके पुरुषार्थ पराक्रम से। अरे विद्यार्थियों की अगर कोई बात करेगा कि विद्यार्थी इस देश का कैसे होना चाहिए, तो भगवान कृष्ण को कोई कैसे छोड़ सकता है। 11 साल में कंस को मारने के बाद भी कहानी के लोगों के माध्यम से मैं प्रदेश और देश को बताना चाहता हूं शिक्षा का क्या महत्व है। भगवान कृष्ण ने दिखाया, कंस को मारने के बाद राजा नहीं बने। ये दुनिया का पहला इतिहास ऐसा हुआ है क्या, उनने का कुर्सी को लात मारते शिक्षा की महत्ता स्वीकार ही करी और उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने गए। ये हमारे गोपाल कृष्ण का पहला पाठ है समाज के लिए। जब तक हमारे गांव के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, आगे कैसे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़े तो कैसे बढ़े, आप उनके जीवन के पाठ तो देखो। जो सीखा उनने, चारों वेद, 18 पुराण, 64 कला, 14 विद्या, जो सीखा जीवन के आखिरी क्षण तक प्रत्येक पाठ को याद करके रखा। और जब आवश्यकता पड़ी समाज में, उनने कहा था कि मेरा जन्म तो धर्म के मार्ग के लिए है, मेरा जन्म तो धर्म की लड़ाई के लिए है, और अधर्म से जीवन भर लड़ूंगा। तो जो जीवन में पहले दिन कहा वो आखिरी तक निभाते रहे। अपनी 18 अक्षौणी सेना के सामने भी डंके की चोट बराबरी से, कभी कभी हम नादानी में भगवान कृष्ण के योगदान को कम कर लेते। हम कहते कि गीता भगवान ने केवल अर्जुन को लड़ाने के लिए सुनाई, ये थोड़ा अधूरा सच है। आप कल्पना करो, भगवान नारायण ने अपनी सेना तो कौरवों को दे दी थी, जो सेना जीवन भर उनको यश दिलाती रही, लेकिन धर्म के मार्ग पे भगवान ने कदम कदम पे सिखाया कि सबका जीवन नियत है, ये कम ज्यादा नहीं हो सकता है। कोई को आज जाना है, कोई को कल जाना है, जो जन्मा है उसको मृत्यु को प्राप्त होना ही होना है। इसलिए अपनी सेना को सामने खड़े होकर के भी भगवान ने निर्लिप्त रूप से अर्जुन से कहा कि अर्जुन जिसने तुम्हारे सामने हथियार उठा लिए, अब वो तुम्हारा भाई कहाँ रहा, वो तो दुश्मन रूप में हो गए। जो रिश्तेदार हथियार लेके सामने आ जाए तो रिश्ता तो उसी समय खत्म हो जाएगा जब वो हथियार लेता है। इतना बड़ा संदेश उन्होंने दिया। और उनके मुंह से निकली हुई गीता दुनिया में आज भी पवित्र गीता की पुस्तक के रूप में हमारा मस्तक ऊंचा करती है, ऐसे गोपाल के मुंह से निकली हुई वो सुंदर रचना। हमें गर्व है इस बात का, इतने पवित्र ग्रंथ के होते सोते भी की भी बात करूंगा, नहीं तो मैं भगवान कृष्ण में भी बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन आप अंदाज लगा लो इतने अच्छी भगवान की गीता सबके सामने आने के लिए बच्चे बच्चे गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले गीता जी का श्रीमद् भागवत का पारायण हो तो सब भूल भाल के लोग भगवान की भक्ति में रम जाते हैं। पूरा देश जिसके लिए पागल है, लेकिन कांग्रेस और उनके लोग, कोई विदेशी आए कोई मेहमान अपने घर आए तो सबसे अच्छी चीज देते कि नहीं देते उनको,
जो सबसे अच्छी चीज वो देना चाहिए, लेकिन अंग्रेज चले गए, कांग्रेस की मानसिकता नहीं गई। इसलिए कांग्रेस के लोग क्या करते थे, कोई अमेरिका का राष्ट्रपति आए, इंग्लैंड का आए, ऑस्ट्रेलिया का आए, उसको क्या पकाते, ताजमहल। अरे भाई ताजमहल से क्या लेना देना है, क्या पकड़ाते, कोई छोटी मोटी दूसरे आइटम। अरे हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, अब आने वाले राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के रूप में जो भी मेहमान आता है, पवित्र गीता उनके हाथ में देते कि गीता से अच्छी कौन सी धरोहर हो सकती है। हम भी चले, तुम भी चले, इस पृथ्वी लोक पे जिसने जन्म लिया है उसका सबका समय नियत है, लेकिन कर्म मार्ग के आधार पे अपना अपना जन्म सिद्ध करना हो तो हमको गीता पे चलना ही पड़ेगा। ये भगवान कृष्ण ने हमको अपने खुद के जीवन में धारण करके बाकी को जीना सिखाया। ऐसे पुरुषार्थी पराक्रमी समाज के ऐसे अच्छे उदाहरणों को पाठ्यक्रम से गायब कर दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करी नरेंद्र मोदी जी ने, और आपके इसी बच्चे ने अगर शिक्षा मंत्री बन के सरकार में शामिल हुआ, पुराने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, तो हमने एक तो बड़ा काम ये किया कि हमारे अपने पाठ्यक्रम में भगवान राम, भगवान कृष्ण सबके जीवन के अच्छे अच्छे पार्ट को हमारे स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में डालने का निर्णय किया, क्योंकि इनसे हमारी पीढ़ी को सीखने को मिलेगा, इनके जीवन के विभिन्न पाठों से हमारा समाज आगे बढ़ेगा। अपनी जड़ों से करके कौन से पौधा आगे बढ़ सकता है, जिसकी जड़ें अंदर नहीं जाएगी वो पौधा कभी नहीं पनप सकता है। हमारी जड़ें सनातन धर्म में है, लेकिन सनातन धर्म से दुश्मनी कांग्रेस की कैसी है, वोट मांगने के लिए इकट्ठे हो गए बहुत सारे, और इकट्ठे होने वाले सब लोग क्या कह रहे, उनके नेता क्या कह रहे, वोट के लिए, मोदी को हटाने के लिए इकट्ठा हो गए। मोदी नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्यों, मोदी भगवान राम की जय जयकार कराते, बोलो जय जय सियाराम, भगवान कृष्ण की जय जयकार करते, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जो भगवान के आधार पर सनातन संस्कृति से जोड़ते हैं, लेकिन कुर्सी के कारण उनको नकारने का काम करते हैं, और इनके साथ वाले आप बताओ, चार जने मिलकर के कोई झगड़ा हो जाए तो पुलिस, कोई घटना हो जाए उनसे तो चार में से एक को पकड़ेगी, बाकी को छोड़ेगी क्या, चारों रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब इनका दल मिला 11 दल, 12 दल, 18 दल, और एक दल कह रहे कि सनातन धर्म को खत्म करेंगे, तो सब अपराधी हुए कि नहीं हुए, ये कहते नहीं वो तो उसने बोला, उसने बोला, वाह, और मोदी को हटाओ तो नहीं खट्टे, और साथ वाला हमको गाली बकरा, ये हो सकता है क्या, ये कभी नहीं हो सकता। जो आपकी भाषा है, कांग्रेस ने आज तक सनातन धर्म पे गाली बकने वाले से माफी मांगने के लिए नहीं कहा, क्योंकि इस समाज की चिंता उनको नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं इससे, कोई बात नहीं। इस लोकतंत्र में याद दिलाता हूं मैं, 5000 साल पुराना समय, भगवान कृष्ण ने शिशुपाल से भी 100-100 गालियां खाई थी, खाई थी कि नहीं खाई थी, बुआ जी को वचन दे दिया था, बुआ जी मैं एक माफ कर दूंगा, दो माफ कर दूंगा, लेकिन 100 तक का अपराध माफ करूंगा, वो 100 के बाद भारत माता की, 100 के बाद गुंजाइश नहीं रहेगी, फिर तो ये उंगली उठेगी, उंगली में क्या है, क्या है, आपको भी उंगली उठाना है 19 तारीख के दिन, कांग्रेस के सारे अपराध के आधार पर आपके हाथ में भी गोपाल कृष्ण सुदर्शन देगा है, देगा कि नहीं देगा सुदर्शन चक्र, ये कांग्रेस के सारे अपराधों को आप उंगली ऊपर करोगे, अपने आप भारत माता की। ये नरेंद्र मोदी जी का समय है, लोकतंत्र में हमको हमारी ताकत का एहसास होना चाहिए। ये जो हम बात कह रहे हैं, आज के समय में, बदलते दौर में, बदलते समय में, जिस प्रकार से भारत अपनी आभा बिखेर रहा है, अपने घर के अंदर भी सभी प्रकार की सुव्यवस्थाओं को लेकर के चल रहे हैं, आपने इस सरकार को बनवाया, हमने निर्णय किया है, खाली मैंने पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाया, हमारी मध्य प्रदेश की धरती पर जहां जहां भगवान कृष्ण ने चरण धरे, लीलाएं किए, वहां वहां हम भव्य मंदिर बनाएंगे और तीर्थ बनाएंगे, ये हमारी सरकार ने तय किया। और जब अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया तो हमारा प्रदेश कैसे बच सकता है, अयोध्या के बाद तो चित्रकूट तो आता ही है,
वो चित्रकूट सहित भगवान राम ने जहां जहां लीला की, हमने निर्णय किया है भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीला की वो तीर्थ के रूप में विकसित करेंगे, ये हमारी सरकार ने निश्चित किया है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जीवन के हमारे पुण्य 33 करोड़ देवी देवताओं का वास किसमें होता, किसी गांव से छोटे व्यक्ति को भी पूछ लो तो बता देगा किसमें होता है, किसमें होता है। और किसान की आय खेती के अलावा काय में से निकलती है, निकलती कि नहीं निकलती, क्या गाय क्या भैंस, हमारी आय दोनों हाथ जैसे अपने होते के नहीं होते, एक सीधा हाथ एक उल्टा, तो सीधे हाथ से खेती मान लो, उल्टे हाथ से अपना दूसरा काम कर लो, दो हाथ होते हैं। हमारी सरकार ने तय किया है, अभी तो आप गेहूं की बात कर रहे हो, चिंता मत करो, सबका गेहूं खरीदेंगे, कोई नहीं बचेगा, आज भले चमक कम हो गई ज्यादा हो गई, सबका गेहूं खरीदेंगे। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगो मेरी चिड़िया, भर भर पे कौन छोड़ रहे आपको, जोरदार ताली बजा बोले कलेक्टर से, सब खरीदना पड़ेगा, कोई नहीं रहेगा। और अभी तो ठहरो जरा, धन्यवाद जल्दी मत दो, बहुत सारी बात कह रहा हूं लेकिन आज आपने टाइम कम दिया। क्या मजा आ रहा था, क्या झूम झूम के नाच रहे थे यार, लोगों को आनंद आ गया। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा आनंद है, हमारे लिए ये लाडली बहनाएं बैठी है। नवरात्रि चल रही, बहनों आपको भी प्रणाम करता हूं, और बहनों की जिंदगी बदलने में भी हमारी सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी, आपकी लाडली बहनों की राशि भी लगातार जारी रहेगी, कोई राशि वासी बंद होने वाली नहीं है, कोई योजना बंद नहीं होगी। हमने तय किया है कि हमारे प्रदेश के अंदर आने वाले समय में जैसे गेहूं के लिए हमने संकल्प पत्र रखा, अब आप बताओ सरकार को 3 महीने के लिए बनती क्या, कितने महीने के लिए बनती सरकार, कितने महीने के लिए बनती है। अब 5 साल की सरकार बनी, हमने कहा 2700 रुपए गेहूं का पैसा देंगे, और कांग्रेस हाय रे हाय रे, अरे 2700 नहीं करे, 2700 नहीं करे, अरे तुम तो रोते ही रहोगे, तुम 2700 को 5 साल में 3000 तक ले जाएंगे, चिंता मत करो, ये हमारे किसान बंधु। हमने अभी 1,250 बढ़ाए और केंद्र सरकार भी बढ़ाएगी। अब बताओ पिछली बार केंद्र सरकार ने कितने दिए थे, 2125, अभी कितने कर दिए, अब 2275 और 1,250 हमारे, 2400 हुए के नहीं हुए, अब वापस इतने अगली बार जोड़ दो कितने हो जाएंगे, और फिर अगली बार फिर दे देंगे अगली बार कितने हो जाएंगे। अरे 5 साल की सरकार है, तुम्हारे छाती पे सांप लौट रहा, सरकार चली गई तुम इसलिए रो रो, रोते रहो तुमको रोना है, हमारे ये समाज जन रोने के लिए नहीं है। अरे ये तो वो लोग हैं जो राम और कृष्ण की संस्कृति को मानने वाले हैं, जो कालिया नाग पर भी नृत्य करके आनंद दिखाते, दुनिया आश्चर्य से देखती है कि कोई कालिया नाग के फन पे भी कोई नाच सकता क्या, हाँ नाच सकता है, जिसके जीवन में आनंद है वो आनंद के क्षण कहीं भी आए तो मस्ती ले सकता है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम्हारे अपने खानदान के अंदर एक ही परिवार, नेहरू जी गए इंदिरा जी आ गई, इंदिरा जी गई राजीव आ गए, राजीव गए अरे कोई भैया इनमें से भी तो कोई को बना दो, कोई एक आधा ओबीसी वाला को प्रधानमंत्री बना देते, कोई आदिवासी को बना देते, राष्ट्रपति बना देते, किसी को नहीं बनाओगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये सारी बातों का उत्तर आपके वोट के माध्यम से निकलेगा, क्यों हमारा आदिवासी भाई बहन राष्ट्रपति नहीं बन सकता। जोरदार ताली बजा नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने कहा कि आदिवासी बहन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भले छोटे से गांव की शिक्षिका है, और भाग्य में देखो मोदी जी का ध्यान कहां का रहता है, वो बहन बिचारी झाड़ू निकाल रही थी मंदिर में झाड़ू निकालते निकालते बहन को तो ध्यान में नहीं रहा, लेकिन भगवान को तो ध्यान था, वो गोपाल कृष्ण का मंदिर ही था, झाड़ू निकाल रही थी, कृष्ण कन्हैया ने कहा कि कांग्रेस का समय नहीं है, ये मोदी जी का समय है, इसलिए आनंद बनाओ बहन, जाओ देश की राष्ट्रपति बनो, अपने देश में गौरवान्वित करो और पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दो कि हाँ हमारे देश में हो सकता है, ये गरीब आदमी राष्ट्रपति बन सकता,
आपके टाइम तो आप धन्ना सेठ को बनाते थे, आप आपके घर से बाहर किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाते, लेकिन हमारे ऐसे बनाते। और जैसे नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी के छोटे से गांव में चाय बेचते बेचते जिंदगी शुरू की, और देश के इतने बड़े देश के एक बार नहीं दो दो बार प्रधानमंत्री बन के बता दिया कि गरीब आदमी का बच्चा भी देश में क्या कमाल कर सकता है, यह नरेंद्र मोदी के माध्यम से दिखाई दिया। और मैं धन्यवाद दूंगा, ये कहानी में तो मैं भी जुड़ गया, इस कहानी का हिस्सा हो गया मैं आज। मेरे अपने घर में भी पिताजी के पिताजी उनके पिताजी, कोई सात पीढ़ी में कभी कोई विधायक नहीं बना, कोई सांसद नहीं बना। मेरे घर में भी ऐसी खेतीबाड़ी होती है, और अभी गाय लगी हो तो दूध निकाल के भी बता सकता हूँ, आपके बीच का ही बच्चा हूँ। लेकिन खेती किसानी के परिवार से आने वाला बच्चा अगर मुख्यमंत्री जैसे पद तक पहुंच सकता है तो केवल ये कमल की फूल वाली पार्टी वाले कमाल कर सकते, और कोई कमाल नहीं कर सकते। हम सबके लिए सौभाग्य की बात, आप में से भी किसी को ऐसा मौका दे सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, ये हमारे सबके बीच में ये स्थापित सत्य है। आज के इस अवसर पर चूंकि चुनाव धीरे धीरे बिल्कुल पास में आ गया है, अब बोलने का समय तो बहुत है, लेकिन आप मत चिंता करना, ओला पाला में किसी के गेहूं आड़े पड़ गए हो तो किसान कलेक्टर से कहा है कि सबका सर्वे करना, भूले भटके किसी की मवेशी की कोई मृत्यु हो गई हो, किसी का मकान गिर गया हो, तो बाल बराबर भी किसी का कोई नुकसान हुआ तो सारा पैसा सरकार देगी, ये हमारा वचन है, ये हमारी गारंटी। इसी अवसर पर आपके यहाँ विकास के लिए आपने कौन कौन सी बात कह दी, लेकिन अभी तो मैं मोदी जी के लिए आया हूँ, अभी आपके लिए तो बाकी है, अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे, बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे। तो अभी तो हमारे जो सरकार बने वो दुनिया के लिए सरकार बन रही, अपने प्रदेश के अंदर के विकास के लिए, नाली के लिए, नाले के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, नहर के लिए, बांध के लिए, घाट के लिए, मंदिर के लिए, राशन की दुकान के लिए, ये सारे काम तो राज्य सरकार के लिए आपने पहले से आशीर्वाद दे दिया, ये पांच साल की सरकार इन्हीं काम के लिए। लेकिन अभी जो चुनाव में वोट पड़ेगा, ये चुनाव में ये कांग्रेसी बहुत चालाक होते, जैसे मछली को दाना डाल के पकड़ते कि नहीं पकड़ते, शिकार डाल के लिए शिकारी के लिए दाना डाल के पकड़ते, इसलिए मुद्दे की बात छोड़ करके ये सारे घमंडिया गठबंधन के लोग कांग्रेस सहित ये दाना डाल के आपको ये गेहूं का नहीं दिया, उसका नहीं दिया, उसको नहीं दिया। आप उनसे पूछ लो कि पूरे पांच साल बाद बोलना है, तो अभी तो आप अपनी खुद की कहानी बता दो, आपको हमने 55 साल तक प्रधानमंत्री और कांग्रेस को कहां कहां बनाया, लेकिन आपने राष्ट्रपति क्यों नहीं बनाया, आपको मौका मिला, आपने गोपाल कृष्ण और श्री राम के जीवन में क्या किया, आपने भगवान के राम के मंदिर में अड़ंगे अड़ंगे लगाए, आपने मंदिर नहीं बनने दिया, ये पाप किसके माथे है, ये कांग्रेस के माथे है। और ये नरेंद्र मोदी है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, डंके की चोट सरयू के किनारे अयोध्या धाम में भूमि पूजन भी हुआ और मंदिर का लोकार्पण भी हुआ, और अब तो हमारा समय है, बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आ गया है, विश्वनाथ का मजा आ गया है, अब तो कृष्ण कन्हैया बुला रहा, जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, अब तो हमारा ही अंतर है, अब हमारा ही महत्व है, अब तो गोपाल जी बुला रहे, बुला रहे कि नहीं बुला रहे है, बोला कृष्ण कन्हैया लाल की, अब की बार का वोट तो इसीलिए पड़ेगा, कोर्ट में मुकदमा चल रहा तो ढंग से लड़ेंगे, ढंग से बात रखेंगे, और ये कहेंगे जो आपके आंखों के सामने हुआ अभी थोड़े दिन पहले, आंखों में देखा हो तो दिख जाएगा सबको, भेंट द्वारका जाने के लिए जहाज से जाना पड़ता था, जहाज से, लेकिन जहाज के बजाय द्वारका में अपनी गाड़ी से पहुंचाने के लिए पुल बनाने का काम भी किसने किया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, जोरदार तालियां बजाओ। और 5000 साल पुरानी डूबी हुई भेंट द्वारका पे भी आस्था के साथ डुबकी लगा करके मयूर पंख से उस भेंट द्वार को नमन करने का काम भी किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया ही है, उनको नमन करने का, जोरदार ताली बजाओ, उनके लिए वोट दिलवा रहे। मोर का पंख भगवान ने कब धारण नहीं किया, मोर का पंख की भगवान हम कभी भूल जाते हैं, उनकी इतनी सारी विशेषता है, ये मोर का पंख धारण नहीं किया,
उनने अपने गोकुल वृंदावन से जीवन भर गांव से संबंध रखते हुए, वो भले द्वारकाधीश हो गए या हस्तिनापुर चले गए या अपने सबसे बड़े भीषण युद्ध में खड़े रहिए, हर जगह जहां भी जाओ अपने गांव और गांव वालों को मत भूलो। इसलिए माथे पे मोर लगा करके उन्हें मोर पंख से संदेश दिया हमारे गोपाल कृष्ण ने। यह हमारा बरसों पुराना रिश्ता जोड़ने का उनका तरीका है। तो हमारे अपने अतीत के काल से भारत का विकास अगर करना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो गांव को भी आगे बढ़ाएंगे और गांव का विकास होगा तो भारत का विकास अपने आप हो जाएगा। जोरदार ताली बजाओ। ये मोदी जी ने संदेश दिया द्वारका के अंदर। हम सबका संकल्प है, अब मैं ये कहानी तो सुबह तक कह सकता हूँ लेकिन अपना हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं। तो हम और आप सब संकल्प करें अपने स्थान पर। आपने कहा कहानी में टप्पा तहसील, कहानी में पुलिस थाना, कहानी में प्राथमिक स्वास्थ्य, अरे तुम जो कहोगे सब करेंगे। सब खड़े हो जाओ अपने अपने स्थान पर, कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। जोरदार ताली बजा, जो जो आप मांगोगे सब मिलेगा। लेकिन पिछली बार कसर रह गई थी, फग्गन सिंह को लड़ाया था हमने, फग्गन सिंह जी को, तो विधानसभा में काला टीका लगा दिया बहुत है। लेकिन हम सब मिलकर के इनको मोदी जी के मंत्रिमंडल तक पहुंचाना, बोलो सब तैयार हो? इधर साहब आ रहे, सब तैयार हो? तो कांग्रेस ही बहुत ललचाएंगे। ये जाने क्या क्या बांटेंगे, इनके चक्कर में आप लोगों को नहीं पड़ना। बोलो सब तैयार हो? एक एक वोट भाजपा के पक्ष में पड़ेगा। बोलो सब तैयार हो? तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत।